बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे डीसी स्पीड कंट्रोलर जो होता है, फ़ैन के पीछे लगा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बेसिकली मैंने उसकी स्ट्रिप पूरी जो है निकाल ली है, जो जहाँ पे कनेक्ट हुआ होता है। अब इसमें आपको देखें तीन स्ट्रिप्स अलग नज़र आ रही हैं और एक जो है अलग स्ट्रिप नज़र आ रही है। तो इसमें चार टोटल डायोड लगे हुए होते हैं और ये चारों डायोड जो है बेसिकली सीरीज़ में लगे होते हैं। सीरीज़ में लगाने का मकसद ये होता है कि हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। कैसे इसको लगाएंगे सीरीज़ में डायोड को? अब यहाँ पे जैसे आपको सिल्वर और एक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, सिल्वर बेसिकली एनोड को शो करता है और सिल्वर जो है शो करता है कैथोड को, और ब्लैक साइड जो शो करती है वो एनोड को शो करती है। एनोड और कैथोड से मुराद ये, इसको सिंपल अल्फाज में, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सिल्वर साइड जो है ये नेगेटिव है और ब्लैक साइड जो है पॉजिटिव है। सही है, इसका मतलब ये है अगर आप ब्लैक साइड पे पॉजिटिव देंगे तो सिल्वर साइड पर आपको सिर्फ पॉजिटिव पल्स मिलेगी, नेगेटिव पल्स नहीं मिल सकती यहाँ पर। तो बेसिकली ये डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफ जो है करंट फ्लो करवाता है। इसको यूज़ करने का पर्पज़ बेसिकली यही होता है। तो हम इसको सीरीज़ में यूँ लगा देंगे और ये इसकी जो स्ट्रिप्स हैं बेसिकली तीन, ये वेरिएबल जो स्पीड होती है उसकी वजह से इसमें तीन स्ट्रिप दी हुई हैं, और जो एक बिल्कुल अलहदा सी है यू टाइप की शेप में, वो बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे और इसके एंड में यानी कि थर्ड वाली पर जो है आप एक पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे, इस जो बैटरी का पॉजिटिव होता है उस पर। अब जैसे ही आप इसको चेंज करते हैं डायरेक्शन को, तो उसमें डायोड की मकदार बढ़ती रहती है, यानी कि सीरीज़ में तो कनेक्ट है, जितने सीरीज़ में डायोड बढ़ते रहेंगे तो वो वोल्टेजेस उतने ही ड्रॉप करते रहेंगे, क्योंकि 0.5 से 0.8 तक वोल्टेजेस बेसिकली इसमें ड्रॉप होते रहते हैं डायोड में, जर्मेनियम और सिलिकॉन की वजह से। तो बेसिकली वोल्टेजेस जब ड्रॉप होते हैं तो उनको फिर करंट भी कम मिलता है, इस वजह से स्पीड भी वेरिएशन आती है, यानी कि स्पीड भी कम होती है। तो ये बेसिकली इस तरीके से लगा होता है। इसको चारों डायोड को आप सीरीज़ में जोड़ देंगे और पहले वाले में एक कनेक्ट होगा, दूसरे वाले में दो सीरीज़ में आ जाएंगे, तो इसी वजह से उनका जो है कहते हैं वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगे और करंट फिर कम मिलेगा, इस वजह से स्पीड में भी फ़र्क आ जाएगा। तो बेसिकली ये स्पीड कंट्रोलर होता है। तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।